तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरा मालिक ढेर सारा बकरी लेकर के आने वाला है और मुझे जो है कि पहाड़ों के बीच में भेजने वाला है। जैसे कि इधर के तरफ देख सकते हैं, पहाड़ी दिखाई दे रहा है, उसी पहाड़ी के बीचों बीच में जो है कि मेरा घर बनाया जाएगा और वहीं पर मुझे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, इतना सारा बकरी खरीद करके लाया है। रोज़ जो है कि एक ही बार जो है कि नहीं वो खरीद कर लाएगा, रोज़ थोड़ा थोड़ा खरीद कर लाएगा, जैसे कि एक ही मालिक के पास से नहीं खरीद कर लाएगा, कभी 10, कभी 20, कभी 50। तो यहाँ पर देख सकते हैं भेड़ और बकरी, मैंने गिनती नहीं किया है, ये बकरी भी है और भेड़ भी है। इधर की तरफ देख सकते हैं भेड़ है, तो भेड़ ज़्यादा है, बकरी कम है, बकरी कम है और भेड़ ज़्यादा है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सारा जो है कि बकरी खरीद कर लाया है। तो देख सकते हैं अभी तो बहुत ज़्यादा बकरियां नहीं हैं, लेकिन तो फिर भी बकरियां हैं। यहां पर देख सकते हैं दो भेड़ा, मतलब एक भेड़ा है और एक जो है कि बकरा है, आप लोग देख सकते हैं खुद ही। देखिए दोस्तों, ये है खुरूफ, ये है बकरा, बकरियों का। और वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर वो लोग भेड़ पास में नहीं आ रही है, वो डर रही है, लेकिन ये लोग जो है कि पास में आई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि मिला जुला करके मेरा मालिक मानेगा नहीं, जो कहा है वो करेगा, यानी कि बकरी लेकर के आएगा। जब ही सारी बकरियाँ, ढेर सारी बकरी हो जाएंगी, तभी जो है कि मुझे भेजेगा पहाड़ी के उस पार, घर बना करके वहीं पर रहने के लिए व्यवस्था करेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि जब तक बारिश नहीं होगा तब तक नहीं भेजेगा, क्योंकि बारिश होगा तो घास निकलेगा। अभी के टाइम में सारा घास मर गया है, कहीं भी आपको घास देखने को नहीं मिलेगा। तो जब तक बारिश नहीं होगा तब तक नहीं भेजने वाला है। लेकिन फिलहाल मैं बकरी खरीदना चालू कर दिया है, आज नहीं तो कल बारिश जरूर होगा, क्योंकि अभी के टाइम में देख सकते हैं बादल किस तरह से घेरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि आज ही जो है कि बारिश आएगा। आप लोगों ने जैसे देखा कि इधर के तरफ पूरा बादल घेरा हुआ है, देख लीजिए, ये मौसम कुछ इस प्रकार से हुआ है। तो जो है कि कोई ठिकाना नहीं है, आज ही बारिश आ सकती है। तो आज बारिश आएगा तो दो तीन दिन में मुझे जाना पड़ेगा वहीं पे जहां पर जो है कि मुझे रहना है। और दोस्तों, जब घर बन जाएगा तो मैं आप लोगों को ले चल के दिखाऊंगा वहां पर कि कैसा व्यवस्था है, किस तरह से वहां पे रहना है, क्या क्या करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग जो है कि मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के सहारे वहां पे मुझे रहना है, और कोई वहां पर मेरा सहारा नहीं रहेगा, क्योंकि आप ही लोग जो है कि कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूंगा, जो कि मेरा टाइम पास होगा, वीडियो बनाऊंगा, एडिट करूंगा, और कोई मेरे पास बात करने वाला भी नहीं रहेगा, ओनली मैं ही अकेले रहूंगा। लेकिन एक बात और है कि यहाँ पर, वहाँ पर जाने के बाद से यहाँ का खजूर का काम हो, इधर की तरफ खजूर की खेती है, तो खजूर का काम हम जो है कि मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ बकरियों को। वहाँ पर दिक्कत कोई नहीं है, वहाँ पर दिक्कत कोई नहीं है, सिर्फ दिक्कत है तो सिर्फ इस बात की दिक्कत है कि अकेले रहना है, पहाड़ों के बीच में अकेले रहना है। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो बना करके दिखाया है कि किस तरह से लोग रहते हैं पहाड़ियों के बीच में, तो उसी तरह से जो है कि हमें भी पहाड़ियों के बीचों बीच में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं इतना सारे भेड़ बकरी आ चुकी है, और भी जितना लाना होगा लाएगा मालिक, जैसे ही बारिश होगा, मान लीजिए आज बारिश होगा तो कल से जो है कि घास निकलना चालू होगा, तो मतलब जिस दिन बारिश होगा उसी दिन मुझे नहीं जाना पड़ेगा, दो तीन दिन बाद जाना पड़ेगा। लेकिन मौसम के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि आज ही बारिश होगा, क्योंकि लो उधर से आ ही गया, वो देखो किस तरह से पूरा ज़बरदस्त बारिश आ रहा है, देखो इधर से आ रहा है, इधर की तरफ तो खैर मौसम फ्रेश हो गया है, इधर की तरफ मौसम फ्रेश हो गया है, लेकिन इधर की तरफ से बारिश आ रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब मेरे चेहरे पर फोकस होता है तो क्लीन दिखाई नहीं देता है बैकग्राउंड में, लेकिन जब मैं चेहरा इधर करता हूँ तो देख सकते हैं इस तरह से क्लीन पूरा दिखाई देता है, पूरा बादल आसमान दिखाई देता है, पूरा
पूरा जैसा रहता है वैसा दिखाई देता है, लेकिन जब मैं इधर करता हूँ तो दिखाई ही नहीं देता है। हाँ तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से हवा बहने लगा है। मेरा आवाज़ पता नहीं क्लियर सुनाई दिया है या नहीं दिया है, ये तो मैं डबिंग कर रहा हूँ, ये आवाज़ तो बहुत अच्छा सुनाई देगा, लेकिन जो मैं हाथ में लेकर के वीडियो बना रहा हूँ उसमें आवाज़ में थोड़ा दिक्कत होगा, हवा आता होगा, इसलिए क्लियर सुनाई नहीं देगा। तो दोस्तों, आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को जाते जाते लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।